मसी के अजीम बाबर के जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ ड्रामा देखने वालों को मेरा सलाम मेरा नाम बाबर मैनवल है और आप प्रोग्राम देख रहे हैं साथी हाथ बढ़ाना जिस तरह से आप सब वाकिफ हैं इस प्रोग्राम से इस प्रोग्राम में हम उन लोगों के पास जाते हैं जिनके पास कोई माली वसायल नहीं होते और ज़रूरियात ज़िंदगी की जो भी अशियाँ हैं उनको मैसर नहीं हैं तो आज मैं इसी तरह से एक घर में मौजूद हूँ ये घर मौजूद है बाहर कलोनी में और इन्होंने हमें अप्रोच किया कि आप ज़रूर हमारे पास आएँ क्योंकि आप लोगों का हमने प्रोग्राम देखा कि आप लोगों की अपने चैनल के वसीला से मदद करते हैं तो मैंने इनसे पूछा कि क्या नोयत है किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं तो उन्होंने बताया कि हमारी बेटी की शादी है और हमारे पास इतने आ, वसाइल नहीं है कि हम इस शादी को कर सकें तो आप ज़रूर हमारे घर आएँ हमारे हालात लोगों तक पहुँचाएँ देखें ताकि इसमें जो वो हेल्प हमारी कर सकते हैं वो कर सकें तो इस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में जिस तरह से आपने हमारे चैनल पर देखा जड़ामाला में जिस तरह से आपने हमारे चैनल पर ही देखा कि 11 बच्चियों की शादियां की गई हैं और मुख्तलिफ़ इसमें तनजीमें थी, मुख्तफ ऑर्गनाइजेशनस थी मिनिस्ट्रीज़ थी इन्वॉल्व जिन्होंने इस सारी शादियों को उनकी जितनी भी अखराजा हैं उन उन्होंने बर्दाश्त किया और जो कुछ भी उन बेटियों के लिए जहेज़ की सूरत में उन्होंने कुछ सामान उनको दिया वो भी आप सभी लोगों ने देखा तो अभी भी मैं उन से उन ऑर्गनाइजेशन से उन तंजीमों से और उन तमाम मनिस्टरीज से ये गुज़ारिश करूंगा कि हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें टेलीफोन नंबर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और जो भी कुछ उनको चाहिए खाने की मद में हो जाए या जहेज की सूरत में हो तो आप ज़रूर उनसे तावन कीजिएगा तो अभी मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा मिस सादिया जेम्स से जिनकी शादी है और उनसे उनके घर के हालात के बारे में पूछेंगे इनके पेरेंट्स के बारे में पूछेंगे हालांकि उन्होंने मुझे बताया है कि उनके पेरेंट्स का इंतकाल हो चुका हुआ है और दो भाई हैं और वो दोनों छोटे हैं तो अभी तक मतलब उनके जॉब्स वगैरह का भी ऐसा कोई सिलसिला नहीं है और ये तकरीबन तीन बहनें हैं इनके अलावा मतलब कि सादिया और तीन और बहनें और दो छोटे भाई तो काफ़ी कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी बसर हो रही है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर इनसे रता करें अगले माह शादी है तो उस शादी में आप शिरकत भी कर सकते हैं और जो भी आप तावन करना चाहते हैं उनसे कीजिएगा तो अभी मुलाकात करते हैं मिस सादिया जेम्स से जी नाजिन अभी मेरे साथ बेटी सादिया और उनके भाई मेरे साथ खड़े हैं तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या किस तरह से ये तैयारी कर रहे हैं शादी की क्योंकि अभी आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं जिस तरह से इन्होंने ये सामान कुछ शादी का इकट्ठा किया हुआ है कुछ रस्मों के तौर पर जैसे आपको पता है कि मैदी है या निका के तौर पर कुछ बास्केट्स वगैरह सजाई जाती हैं उस तरह से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तैयारियाँ हो रही हैं लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए और मैं अभी इनके घर में मौजूद हूँ तो यहाँ पर भी लाइट इस वक्त कोई नहीं है मैंने पूछा है कि लाइट ऑन करें तो इन्होंने कहा कि ये पिछले चार माह से ही ऑफ है कि बिजली के बिल अदा नहीं किए गए और जिस तरह से बिजली के बिल हमको सबको पता है कि किस तरह से ज़्यादा आए हैं कि बहुत से लोगों की बिजली वैसे ही कटी हुई तो अभी मैं बातचीत करूँगा बेटी से भी और इनके दोनों भाइयों से भी कि किस तरह से आप ये सारे इंतज़ाम को देख रहे हैं तो बेटा मैं आपसे पूछूंगा कि आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं जॉब कर रहा हूँ लेकिन इतने कोई सहिल नहीं है क्योंकि आपको अब आजकल जॉब्स को इतनी अच्छी खास मिल नहीं रही मिल नहीं रही बिल्कुल सही बस यही इशू है थोड़ा तो क्या जॉब आप करते हैं जो मैं कटिंग का काम सीख रहा हूँ अभी तो सीख रहे हैं आप जी हाँ अभी सीख तो रहा हूँ तो क्या कुछ मिल जाता है कि नहीं अभी नहीं अभी तो कुछ भी नहीं ठीक है तो बेटा आप क्या करते हैं सर मेरा अभी कटिंग का काम है अच्छा कटिंग का काम जी ओके तो क्या है कोई इनकम वगैरह अच्छी है जिस तरह से आपकी चार बहनें हैं भाई हैं आप तो गुजारा किस तरह से हो जाता है इस तरह नहीं बस यही कभी खाली कभी नहीं खाई मतलब कभी पैसे मिल गए कभी नहीं मिले यही है तो अभी शादी की डेट क्या है जो अभी आप बता रहे हैं कि शादी है हमारी और हमें जरूरत है और पाँच को बनाता है ठीक है और हमने अपने मतलब के किसी तरह से कोई रिस्पांस नहीं आया चले कोई नहीं खुदा ख़ैर करे क्योंकि वजह यह है कि जब बेटियों का बहनों का जो भी सिलसिला होता है इस तरह से शादी का या जो भी इनकी ज़रूरत होती है खुदा अपना इलाही इंतज़ाम करता है तो बेटे बताएं कि आपने कोई स्किल कोई हुनर वगैरह सीखा है जी अभी मैं कोर्स कर रही हूँ ब्यूटी सलोन का सलून का जी चलो मतलब आप सभी जो घर के जितने भी अफराद हैं भाई बहन ये अच्छा है ये बहुत शानदार इस वक्त कारोबार आप कह सकते हैं स्किल्स भी बड़ी शानदार है हुनर है जो आप यूटिलाइज करके कल को खुदा करे कि आप अपना सलोन वगैरह खोल सकें आप अपनी जो भी कटिंग की शॉप है उसको स्टार्ट करें खुदा उन्हें ये सारे काम करने में कदर हैं तो शादी की क्या तैयारियाँ अभी शादी की तैयारियां तो अभी बस हो रही हैं लेकिन बस मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं जड़ा वालों में सिस्टर्स की शादी करवाई की है तो मेरी हेल्प की जाए तो जी नाजीन आपने रिक्वेस्ट जो एक बेटी ने की है कि आपने जिस तरह से जड़ा वाला में दूसरी मसीही बेटियों की जहेज़ की सूरत में खाने की सूरत में रिसेप्शन की सूरत में बारात की आपने उनके साथ माली तावन अपना हाथ बढ़ाया है इसी तरह से आप ज़रूर ये स्क्रीन के नीचे आप बेटी का नंबर इनके भाई का नंबर आप देख रहे हैं आप ज़रूर इनसे रता करें और इनकी शादी में भी शिरकत करें मैं दोबारा कह रहा हूँ और इनके साथ जितना तावन आप कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि चार बहनें हैं और दो भाई हैं और जिस तरह से उन्होंने आपको बताया है कि अभी इतने वसाइल इनके पास नहीं हैं कि वो इस सारे इस बड़े काम को सर अंजाम दे सकें तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप ज़रूर इनसे रता करें और इनकी जो भी माली ज़रूरिया हैं उनको पूरा करें ताकि अच्छे तरीके से बेटी अपने घर से रुखसत हो और जब वो वहाँ पर जाए तो वो उनके लिए भी बाईशें भरकर ठहरे शुक्रिया जी मैं सबको सलाम जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी बहन की शादी है ठीक है और प्लीज़ मेरी हेल्प की जाए मैं आप सब लोगों का शुक्रियादारूँ सबको सलाम मेरी बस आप सब से ये रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोग मैसी बहन भेन भाई बहनों की शादियाँ में की हेल्प करते हैं वैसे मेरी शादी में हेल्प की जाए